माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ अतीक पर कानूनी कार्रवाई होती जा रही है तो दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद का UPSTF एनकाउंटर कर चुकी है, जिसके बाद माफिया अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी डाल सकता है। मगर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा संभव है। दरअसल अगर अतीक 14 अप्रैल को अपील करता भी है तो उसमें कई मुश्किलें आ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की सरकारी छुट्टी होती है और सरकारी छुट्टी के दौरान कोर्ट बंद रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अतीक अहमद को मानवीय आधार पर इजाजत मिल भी जाती है तो अतीक जब अपने बेटे के जनाजे में शामिल होगा तो उस वक्त की वीडियोग्राफी की जाएगी, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी, भारी पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी ताकि ये बात बिल्कुल सुनिश्चित की जा सके कि उस दौरान कोई माहौल खराब करने वाले या फिर किसी साजिश में सम्मिलित कोई भी लोग वहां न पहुंच सके। ये कैसे नैरो डाउन किया है इसके बारे में हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अपने वकीलों की मदद से सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है और फिलहाल फरार है, उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की खबरों के पीछे सबसे बड़ी वजह उसके बेटे के जनाजे में शामिल होने की बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अतीक अहमद अगर अर्जी दाखिल करता है तो उसे इजाजत मिलती है या नहीं।